So now we are going to read about exponents and power. Maybe this is first time for you. What is exponents and power? Exponents and power. What is exponents and what is power? So these things you read in 7th standard, but we can't read here due to coronavirus and corona pandemic. So now we are going to read about exponents and power. This is very, very, very important chapter. So अच्छे से पढ़ो, ध्यान से देखो, एक ही क्लास में खत्म होगा, सेकंड क्लास में प्रॉब्लम करेंगे। ध्यान से देखो, कुछ भी ज्यादा नहीं है उसके बारे में, तुम्हें पता है, बस थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। कैसे? मैं तुम्हें दिया था स्क्वायर निकालने के लिए, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे निकालने के लिए दिया था, राइट? और इसको कैसे निकालते थे हम? 2 का स्क्वायर मीन्स व्हाट? 2 का स्क्वायर मीन्स 2 into 2, राइट? 2 के ऊपर क्या है? 2 है, इसलिए 2 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 के ऊपर 2 है, इसलिए 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 के ऊपर 2 है, इसलिए 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ। जब भी जाओगे लाइफ में, कुछ जॉब करने के लिए चाहिए या कुछ भी, 10th हो या प्लस 2 हो या कोई भी जॉब के लिए, ये चीज में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ध्यान से देख लो, दिस इज द टाइम टू क्लियर फंडामेंटल। अब भी एक बार ध्यान से सुन लोगे तो जीवन भर काम आएगा। 4 स्क्वायर मीन्स 4 into 4, 5 स्क्वायर मीन्स 5 into 5। ऊपर 2 है, ऊपर 2 है, इसलिए 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एंड इफ देयर इज 2 टू द पावर क्यू, तो इधर हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 3 टू द पावर क्यू मीन्स 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर जो है उसके हिसाब से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समझ में आया? 4 का क्यू है, मींस ऊपर 3 है, इसलिए 4 को 4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देन इफ फॉर एग्जांपल यहां पर 2 टू द पावर 5 आएगा, तो यहां पे क्या करेंगे? 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5। 3 टू द पावर 5 आएगा तो 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। इतना कुछ बोलने का क्या जरूरत है? ध्यान से देखो, ऊपर जो है उसके हिसाब से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 का स्क्वायर था, इसलिए 2 को 2 टाइम्स, इसको क्यू बोलते हैं या 2 टू द पावर क्यू बोलते हैं, 3। 2 into 2 into 2 3 टाइम्स। 2 टू द पावर 5 मींस 2 into 2 into 2 into 2 into 5 टाइम्स। 3 टू द पावर 5 मींस 3 का 5 टाइम्स। तो ऊपर के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यही चीज को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट्स एंड पावर। यही चीज को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट्स पावर। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले रहा हूं 2 पर 4 का। नीचे क्या है? 2 है, उसके ऊपर 4 है, ये 4 को हम बोलते हैं पावर। 4 को बोलते हैं हम पावर, 2 को बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट, एक ही एक्सपोनेंट है ना, तो एक्सपोनेंट। 2 को बोलते हैं एक्सपोनेंट, 4 को बोलते हैं पावर। 2 का पावर 4, इसको हम 2 टू द पावर 4 बोलते हैं। 2 टू द पावर 4 मींस 2 पावर 4 भी बोलते हैं, 2 टू द पावर 4। टू द पावर 4 भी हम बोलते हैं। 2 है एक्सपोनेंट, 4 है पावर। समझ में आया? एक्सपोनेंट्स एंड पावर। एक्सपोनेंट्स क्या है? जो नीचे रहता है, इसको हम बेस भी बोलते हैं, कभी कभी उसको हम बेस भी बोलते हैं। 2 है बेस, बेस एक्सपोनेंट्स को कभी कभी हम क्या बोलते हैं? बेस भी बोलते हैं। बेस, समझ में आया? लिख लो सब जल्दी से। ओके, वेट 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 ए मिनट, इसको हम एक्सपोनेंट्स नहीं बोलते, इसको हम बेस बोलते हैं। 2 को क्या बोलते हैं? हम बेस बोलते हैं। 4 को बोलते हैं पावर। ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे पढ़ते हैं? 2 टू द पावर 4, उसको जो टोटल कॉम्बिनेशन बेस एंड पावर का कॉम्बिनेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट्स। दोनों का कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? हम एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। दिस इज बेस, दिस इज पावर, दोनों का कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट्स। इज योर डाउट? एक्सक्यूज मी सर,
सर वो नीचे का सर टू फोर वो समझ में नहीं आया सर मुझे। एक एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल लिया टू टू द पावर फोर, जैसे इधर टू टू इधर टू लेते थे, टू टू इधर क्यू लेते थे, टू टू इधर फाइव लेते थे, टू टू इधर फोर, मीन्स ऐसा कोई भी नंबर ले सकते हो। ये जो नीचे वाला को बोलेंगे बेस, ऊपर जो रहेगा उसको बोलेंगे पावर, ये टोटल कॉम्बिनेशन को बोलेंगे हम एक्सपोनेंट। हाँ यस भवानी, भवानी टेल व्हाट यू टोल्ड सर। एक सर कितने लिखना है सर? हाँ क्लास वर्क में लिखो सर, पीछे का क्लास वर्क से नोट्स। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये इधर से स्टार्ट करो, पीछे का बाद में लिख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। फर्स्ट पेज स्टार्ट करो। कोई बात नहीं, हम ऐसे 24 क्या है सर? 24 टू टू दी पावर फोर, टू के ऊपर फोर, ये टू स्क्वायर जैसे था ना, ऐसे टू के ऊपर फोर है, ऐसे लिख रहा हूँ मैं। 24 नहीं है, टू के ऊपर, हाँ ये बेस के ऊपर ऐसे छोटा सा, ये देख रहे हो ना टू टू एट, हाँ हाँ वो बड़ा दिख रहा है, कुछ भी टू टू ट्वेल्व, टू टू ट्वेल्व या टू टू थर्टी टू, कुछ भी, ये नीचे का बेस है, ये ऊपर का पावर है, कुछ भी पावर ले सकते हो। बोला था टू टू दी आर फोर, टू टू आर थ्री के बारे में। अभी देखो और एक एग्जाम्पल ले लो, माइनस टू टू दी पावर क्यू, उसका क्या आंसर आएगा बताओ, करके दिखाओ। माइनस टू टू दिवार क्यू इक्वल टू डेस, चार्ट में आंसर भेजो, माइनस टू टू दिवार क्यू, डू इट फास्ट। मैंने ब्रैकेट जैसे डाला वैसे ब्रैकेट डाल के लिखना, माइनस है इसलिए ब्रैकेट डाल के ऊपर क्यू लिखना, क्या आएगा? ऊपर क्यू है ना, तो माइनस टू को कितने बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तीन बार मल्टीप्लाई तो आता है ना, तीन बार इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन है, कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, पहले में क्या बोला था, जब इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो उसी टाइम में क्या करना, पहले नंबर को मल्टीप्लाई करना, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, उसके बाद क्या करना, साइन को मल्टीप्लाई करना, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, ये दोनों का साइन आ गया प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, सब आ गया माइनस एट। एडिशन नहीं है संग में, मल्टीप्लीकेशन है, कौन सा सिंबल है बीच में? टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, माइनस एट लिख दिया, फिर अभी साइन को मल्टीप्लाई करना, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, समझ में आया? उसके बाद हम रूल्स पढ़ेंगे, अभी ये लिख लो जल्दी से, जल्दी से लिख लो। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम कुछ लॉज पढ़ेंगे, टाइम हो गया, टाइम 5 मिनट है ना, एक लॉ पढ़ के जाओ, फास्ट लॉ यू रीड, फास्ट लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी बेस सेम रहेगा, व्हेन बेस सेम, बेस मतलब समझ में आ रहा है ना, टू जो नीचे, फॉर एग्जांपल ऐसा है 2 टू द पावर q इनटू 2 टू द पावर 5, एग्जांपल बोल रहा हूं पहले, उसके बाद जनरल फॉर्म लिखेंगे, 2 टू द पावर q इनटू 2 टू द पावर 5 है, मींस बेस क्या है, इधर 2 है, इधर बेस भी 2 है, उसको इजीली कैसे करेंगे, बेस बेस सेम है, इधर ऊपर क्या है 3, इधर ऊपर है 5, तो क्या हो जाएगा, 2 जैसा है, 2 जैसा है वैसा रहेगा, 2 जैसा है वैसा रहेगा, ओनली ऊपर का ऐड हो जाएगा, 3 प्लस 5, जैसे फ्रैक्शन का एडिशन कर रहे थे ना, जब डिनोमिनेटर सेम होता है ओनली न्यूमरेटर ऐड हो जाता है, वैसे ही जब बेस सेम होता है उसका पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, लेकिन कब, जब मल्टीप्लिकेशन बीच में रहेगा, एडिशन जब नहीं रहेगा तब नहीं होगा, ये भी ध्यान में रखना, जब बीच में मल्टीप्लिकेशन रहेगा 2 टू द पावर q * 3 टू द पावर 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 प्लस 5, मींस ये हो जाएगा 2 टू द पावर 8 आ जाएगा तुम्हारा आंसर। और एक बोल रहा हूं,
सेवन टू दी पावर सिक्स इंटू जब रहेगा सेवन टू दावर सिक्स इंटू एट टू दी पावर फाइव क्या आ जाएगा? सॉरी सॉरी ये नहीं कर सकते क्योंकि बेस सेम होना चाहिए, सेवन टू दावर फाइव है, अभी क्या हो जाएगा सेवन जैसा है वैसा रह जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा सिक्स प्लस फाइव, देन सेवन टू दी पावर सिक्स प्लस फाइव इलेवन, ये हो जाएगा आंसर। उसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे मींस यहाँ पे मैं सेवन ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं टू ले रहा हूँ, यहाँ पे थ्री फाइव सिक्स फाइव चेंज हो रहा है ना, उसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एलजेब्रा फॉर्म में लिखेंगे। उसी जगह पे हम कुछ भी नंबर ले सकते हैं, जैसे कि ए टू दी पावर एम है, ए के जगह पे कुछ भी ले सकते हो, वन से हंड्रेड के थाउजेंड लाख कुछ भी ले सकते हो, एम के जगह पे कुछ भी ले सकते हो, ए टू दी पावर एम, ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन, ए ए सेम रहना चाहिए ना बेस, और ऊपर का चेंज भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, जैसा था वैसा रहता था, यहाँ पे हो जाता था एम प्लस एम, जिसे था जनरल फॉर्म। ये एक फॉर्मूला है, ये जीवन भर याद रखना जब तक पढ़ाई कर रहे हो। ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन इक्वल टू ए टू दी पावर एम प्लस एन, ये एग्जाम्पल से ये फॉर्मूला हमको मिला, पता चला। यस सर। लिखो फिर। यस सर।